I look at you and it's easy to see you are the. तो गाइस ये मैंने चाय ऑर्डर करी है सुबह सुबह एंड सम बिस्किट्स, क्योंकि पिछले वॉक से मैंने कहा था कि मैं अपने आप को ऐसे लेट डाउन नहीं फील कराऊंगी. अच्छा फील करना है, जो टूर्नामेंट रहा है उसे इन्जॉय करना है, अपने टीममेट्स को सपोर्ट करना है. तो मैं पीती हूँ देन रेडी होके हम जाएंगे स्टेडियम. बाय. ये देखो गाइस कितने क्यूट हैं ये. अब ये लिया मैंने ब्रेकफास्ट के लिए. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल. तो कल के व्लॉग से आपको पता ही लग गया होगा कि आई लॉस्ट माय प्री क्वार्टर मैच, पर सॉरी आई लॉस्ट माय क्वार्टर मैच, बट कोई बात नहीं, लाइफ है, एक जीता तो दूसरा तो हारे गई. एंड बट द गुड पार्ट इज आई एम सिलेक्टेड फॉर नेशनल्स, गोवा नेशनल्स के लिए जो फेदर वेट है वो मैंने क्वालिफाई कर लिया है. ठीक है, तो हरियाणा वालों थैंक यू बोल देना कमेंट्स में मुझे. ठीक है, बाकी ट्रायल्स में तो मिलेंगे ही हम लोग. एंड अब आ गई हूँ मैं स्टेडियम में. देखो, देख रही है मेरे को ब्लॉग बनाती. तो अब मैं पहुँच गई हूँ स्टेडियम एंड देखते हैं आज अपनी तीन लड़कियों की फाइट है, उनको चीयर अप करेंगे एंड लेट्स हैव सम फन. गाइस लाइट चली गई है. अरे ये देखो बेशरम का घूमना. तो गाइस हमारी एक प्लेयर की फाइट हो चुकी है एंड अब हम आए हैं खाना खाने. तो मैं दिखाना चाहूंगी कि हम लोग क्या खा रहे हैं और इनकी एक बार इनकी हम ओवरव्यू लेंगे डाइट में क्या खाते हैं हमारे एथलीट्स. सबसे पहले दिखाएंगे हम अपने कोचेस को. ठीक है. ये रहे हमारे मैम और ये रहे हमारे इन्होंने कहा मेडल इन द अंडर 54 वेट कैटेगरी उत्तराखंड. हियर्स विकास फ्रॉम हरियाणा एंड द रेसिपिएंट ऑफ द गोल्ड मेडल इज अभिजीत सरजराव खोपड़े. हाय गाइस, तो फाइट्स हो गई हैं सारी ख़त्म, लाइक आज की फाइट्स ख़त्म हो गई हैं एंड बहुत खुशी होगी बताने में कि हरियाणा के आज एक गोल्ड और एक सिल्वर आया. वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम. फाइनली दो लड़कों के मेडल्स आए हैं एंड जिनका नहीं आया जो हार गए जिनका नहीं आया हार गए बेटर लगने. तो गाइज अब बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं और अब हम बस निकल रहे हैं अपने रूम के लिए बिकॉज बहुत टायर्ड हो गए. मेरे नी में इतना पेन हो रहा है ना इस टाइम क्योंकि मैं आइसिंग नहीं कर पाई. अब रूम पे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड कल अपनी जो प्लेयर्स हैं, जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए पहुँचेंगे. तो मैं तुमसे रूम पर जाके बात करती हूँ. ठीक है, बाय. तो गाइज एज यू कैन सी हमारी जो कैब है वो कैंसिल कर दी है और कल है पिंकी की फाइट, बाकी सबकी ऑलमोस्ट हो गए हैं. तो गाइज कैब हो गई कैंसिल, अब दूसरी कैब देख रहे हैं, होपफुली हो जाए, अदरवाइज हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, मे बी ई रिक्शा मिल जाए. नहीं हम जाएंगे, झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें मेरे पे विश्वास है ना. बस ठीक है, मिलते हैं. तो गाइज हम लोग आ गए हैं रूम पे, बड़ी मुश्किल से कैब मिली है यार. और अब आज क्या है, आज हमने एक रूम जो है वो छोड़ दिया है, तो आज हम 8 लड़कियां एक रूम में रह रही हैं. तो तुम सोच सकते हो कितना मुश्किल हो गया, लाइक बहुत मुश्किल. मुझे तो लगता है बिग बॉस होने वाला है. गाइज मैं इनकी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, चैनल हैंग हो जाएगा हमारा. ठीक है, तो अभी मुझे लगता होगा यहाँ पे बिग बॉस हुआ तो तुम देख लोगे, नहीं हुआ तो ऑब्वियस ही बात है पता लग जाएगा. चलो मैं मिलती हूँ जरा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो. यार शीतल दरवाजा फिर खुल गया, एसी क्यों नहीं लगा? हाँ क्या दिक्कत है, बकवास क्यों कर रही है? अल्लाह बता दे, चिंता नहीं चाहती. अरे यार ये गंदी है, मेरी मसाज कर दो. कोई फाइट है मेरी, कल कर दे यार उसकी मसाज.
मैं फोन चला के आ गई ब्लॉग में आया मैं फोन तोड़ दूंगा मैं उठ ले तोड़ के दिखा दो फोन चंदा भी तेरे फोन ने भी बार बार फेंक के दिखाओ बार मतलब तू मजाक करता है मैं करती हूं साथ यार खा ले तो खा ले यूं तो बोलना ना बढ़िया देख इज्जत कर रही मैं तेरी इज्जत करा मसाज भी कर मेरी करी कल किसी ने मसाज हां करी थी कद किसने करी ये अच्छा ये अच्छा था मतलब था कि ये वाला बिग बॉस मुझे इसी बात का तो गाइस इस बिग बॉस का था मुझे डर कि ये वाला होगा यही लड़ाई करेंगे लोग और अभी मेरा गला भी थोड़ा वो हो गया हंस हंस के और बर्थडे विश करके तनुजा को अब हम सोते हैं तनुजा को आप सभी हैप्पी बर्थडे बोल दो सारे ठीक है इसका बर्थडे आज अब हम थोड़ा पहले बोल दे एडवांस में थैंक यू मेरा गला खराब हो गया सबका गला खराब है थैंक यू तेरे बर्थडे ना पानी पी लूं गरम पानी लो इसे डिलीट कर दो चलो ओके गाइस बाय गुड नाइट सी यू डोंट लीव मी हैंगिंग ऑन द डायल टोन